अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अखिल निशी यूथ एसोसिएशन के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्या को कई बार बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन लोगों के रवैये से पता चलता है कि अन्या के आंदोलन को के पीछे कोई समर्थन कर रहा है। जल्द ही इसकी सच्चाई सबके सामने होगी। यहाँ बता दें कि इससे पहले प्रदेश के IGP कानून व्यवस्था ने कहा था कि अन्या के बंद के दौरान राज्य में हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी, जिसे पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कुशलता से नाकाम किया। और अब मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पहली बार अन्या के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। ये वन को ही कहा था आप लोगों को कि ये अपना जो अन्या है ये अपना एक यंगस्टर्स है, और उन लोगों को यंगस्टर्स है तो यंगस्टर्स का माइंड बड़ा क्लियर होता है। तो हम गवर्नमेंट की ओर से बहुत पहले ही इनवाइट किया था कि आप लोग आके बात करो, होम मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन है बार बार फोन किया आके बात करो, तो इसमें कहीं ना कहीं पीछे से बैकिंग तो है। इसलिए मैंने कहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही है, और आने वाला दिनों में आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे में किसका हाथ है। नहीं नहीं, हम लोगों का देखिए भारतीय जनता पार्टी इज ए वेरी डिसिप्लिन पार्टी। विद इन द पार्टी में हम लोगों का इस प्रकार का षड्यंत्र या इस प्रकार का बहुत ही गिरा हुआ ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा। डेफिनेटली इसमें दूसरा कोई एलिमेंट्स अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी हम नहीं ठहराएंगे ऐसा अपना, लेकिन इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड जरूर है। मैंने डे वन को ही कहा। वही अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप पर मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि सरकार के विभिन्न विभाग स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और समय पर इसका खुलासा हो जाएगा। आई थिंक सोशल मीडिया में जिस प्रकार से कुछ एलिगेशन खास करके चीफ मिनिस्टर और कुछ डिपार्टमेंट को जो आया हुआ है, गवर्नमेंट की ओर से देर हैज बीन ऑलरेडी बीन क्लेरिफाइड बाय माय स्पोक्स पर्सन हु इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर श्री बमंग फिलिप जी, और वो पर्टिकुलर जिन्होंने बंद कॉल किया था उनको भी इन्वाइट किया था कि आप भी आके अक्रॉस द टेबल बात करने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन मैंने फिर अभी आज अपने कंसर्न जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी मैंने कहा कि अगर डिपार्टमेंट में एलिगेशंस है, वैसे स्पोक्स पर्सन ने अपना लेवल में क्लेरिफाई कर दिया, सब्जेक्ट वाइज जो 3-4 डिपार्टमेंट का जो उठाया है वो लोग भी सब्जेक्ट वाइज बहुत ही जल्दी आप लोगों को बुला के क्लेरिफाई कर देंगे। और रह गया जो हमारे जो पर्सनल लेवल में जो एलिगेशन जो लगाया कि फैमिली में इतना फार्म है, फैमिली इतना लार्ज नंबर में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स मैं खुद ही एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, और कौन सा संविधान कौन से कानून में ये लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सन का फैमिली लोग बिजनेस कर नहीं सकता, और जो डॉक्यूमेंट्स में जो एलिगेशन जो दिया है कि इतने हजारों हजारों करोड़ का जो लोग ने जो हिसाब दिखाया दिस इज ऑल फॉल्स। अगर मेरा फैमिली मेंबर इतना करोड़ का इतना हजारों हजारों करोड़ का करते तो हमारे लिए पर्सनली बहुत ही खुशी का बात होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इतना काम नहीं है। मैं पूरा हम बोल सकता है संविधान के मुताबिक आई बीइंग एन चीफ मिनिस्टर मैं डायरेक्टली अपना नाम में हम कॉन्ट्रैक्ट काम गवर्नमेंट का काम हम कर नहीं सकता, हम प्रोबेटरशिप हम ले नहीं सकता, मगर फैमिली हो गया बीवी बच्चा हो गया इवन रिलेटिव्स हो गया वो लोग काम नहीं कर सकता बोल के कौन सा कानून में लिखा हुआ है। आई थिंक यू ऑल आर वेरी लर्नेड जर्नलिस्ट, यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन जो भी उंगली रेस करता है, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस, आप लोग भी शायद पूछना छूट गया होगा। तो ये है और जो भी आई थिंक साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की तरफ से कई पुराने मुद्दों को उठाया गया है जिसका फैसला पहले ही गुवाहाटी हाई कोर्ट कर चुकी है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उन पर जल्द ही फैसला आ जाएगा। इट इज अ वेरी ओल्ड मैटर, इनफैक्ट ये जो केस स्टार्ट हुआ जी दिन हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा स्वर्गीय पिता दोरजी खांडू जी जो इस राज्य का चीफ मिनिस्टर था उस वक्त में भी कोई लोग पॉलिटिकली उनको ब्लेम करने के लिए ये सारा मैटर को कोर्ट में दिया हुआ था, मगर सच्चाई तो सच है और जुडिशरी ने अपना जजमेंट दे दिया। ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको ऑलरेडी जजमेंट प्रोनाउंस कर चुका है, वो केस भी फैसला हो चुका है, तो दोबारा फिर उसको किसी लोग ने ऐसे करके SLP में वहां पे दिल्ली में भेजा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो हम अपना ओर से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका हियरिंग जल्दी हो जाए और जल्दी लोगों के सामने में जस्टिस हो जाए। मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो अभी लखना है तो वहां जाके लखना होगा ना, आपका एडवोकेट लोगों के पास में जाके जो भी इविडेंस है वहां जाके एडवोकेट लोगों को देना होगा। यहां पे अपना राज्य में बंद कॉल करके अपना जो गरीब लोगों को अपना सिटीजन्स को आप परेशानी में डाल के
दिस इज नॉट द सॉल्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग द गवर्नमेंट। और इसके अलावा अन्य के सदस्यों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। बंद कल्चर के खिलाफ लगाम लगाने के लिए कानून लाया गया है। कि ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्ट में क्या होता है कि उसको मतलब जिन्होंने बंद कॉल किया है उसको अंडर सर्टेन सेक्शंस उसको एडवांस में भी आप डिटेंशन कर सकता है। ये एक अच्छा बात है, क्योंकि नहीं तो पहले क्या होता था कि जो भी रैंडमली इतना बंद होता था, इफ यू टॉक अबाउट यू नो 19 years बैक, इतना रैंडम बंद होता था, महीना में 3-4 बार बंद होता था। देर वॉज ए वेरी बैड कल्चर इन आवर स्टेट। तो मैं मानता हूं कि ये एक्ट आने के बाद बंद कॉल जो है काफी कंट्रोल हो गया है। डेमोक्रेटिक राइट सभी को है, आप लोग बैठ के धरना कीजिए, आप लोग जिसका भी सरकार में जो लोग है उसके अगेंस्ट में आप लोग धरना कर सकता है, रैलीस निकाल सकता है, बट बंद कॉल इज नॉट द सॉल्यूशन। और बंद के दौरान इंटरनेट बंद को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इनपुट के आधार पर इंटरनेट को बंद किया गया था। गवर्नमेंट का तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि उसको पीसफुली जो भी होता है लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए, लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए, यही हम लोगों का प्रेरोगेटिव है। तो जो इंटरनेट शटडाउन किया है वो भी ऑफिशियल लेवल में वो लोग अपना बेस्ड ऑन दी इंटेलिजेंस इनपुट लेके ही वो लोग ने ये निर्णय लिया। गवर्नमेंट का तो सबसे पहला